हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आज हम बनाएंगे बीट रूट का हलवा, यानी कि चुकंदर का हलवा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चुकंदर बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर आप उसका इस तरह से हलवा बनाकर खाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के चुकंदर लिए हैं। अगर आप नाप के हिसाब से देखेंगे तो ये 500 ग्राम है। इसे अच्छे से वॉश करके, इसे पील करके, इसे अब हम ग्रेट कर लेंगे। क्या ये चुकंदर हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूँगी। इसे अब हम हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें मैंने 8 से 10 कैश्यू लिए हैं, उसे अब हम रोस्ट करेंगे। कैश्यू को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये कैश्यू नट का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रेजिन्स यानी कि किशमिश ऐड करेंगे और इसे भी हम घी में रोस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारा ग्रेट किया हुआ चुकंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, हमारा चुकंदर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है। अगर आप नाप के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 कप्स मिल्क है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध पूरा रिड्यूस ना हो जाए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध 50% रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप घर की बनी ताजी मलाई ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे
75% दूध रिड्यूस हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर ली है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूध पूरा 100% रिड्यूस ना हो जाए, यानी कि हमारा जो हलवा है वो बर्तन में चिपकना बंद ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बर्तन में चिपक रहा है। इस स्टेज पर हम अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर लिया है। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें घी रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है और अब ये बर्तन में चिपक भी नहीं रहा, यानी कि आपका हलवा बनकर रेडी है। अब हम इसमें हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा हलवा बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना डिलीशियस लग रहा है ना ये हमारा हलवा। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।